नमस्कार, नवजीवन बुलेटिन में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आदित्य ठाकरे ने वर्ली से अपना नामांकन दर्ज किया है। महाराष्ट्र में इस महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने वर्ली सीट से अपना नामांकन दाखिल कराया है। नामांकन से पहले आदित्य ने एक रोड शो किया जिसमें शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनका फूलों से स्वागत किया। महाराष्ट्र में इस महीने की 21 तारीख को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और 24 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। हरियाणा में जेजेपी ने पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर को सीएम खट्टर के खिलाफ मैदान में उतारा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी ने बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर को करनाल से उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि करनाल सीट के लिए उनकी टक्कर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से है। जननायक जनता पार्टी ने गुरुवार को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जिसमें तेज बहादुर यादव को टिकट दिया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में तेज बहादुर को समाजवादी पार्टी ने वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ उतारा था, हालांकि उनका नामांकन रद्द हो गया था। यूपी में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था के हालातों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि योगी राज में उत्तर प्रदेश अपराधियों का अड्डा बन गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले 3 दिन में बनारस, सोनभद्र, बिजनौर, नोएडा और कानपुर में कई ऐसी वारदातों को अंजाम दिया गया, लेकिन बीजेपी सरकार उसे रोकने में नाकाम रही। प्रियंका ने कहा कि यूपी की योगी सरकार अपराध पर झूठ बोल सकती है, लेकिन उन्हें रोक नहीं सकती। We'll be right back.